हाय दोस्तों, बासंती का किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नवरात्रि स्पेशल मखान का खीर बना रही हूँ। मखान का खीर मिथिला में बहुत फेमस है। अभी मखान सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं। दो सौ ग्राम हमने मखान लिया है, डेढ़ लीटर हमने दूध लिया है, कोई भी दूध आप ले सकते हैं। दो बड़ा चम्मच घी लिया है, सात बड़ा चम्मच चीनी लिया है, पंद्रह किशमिश, दस बादाम, दस काजू, पांच इलायची को हमने छीलकर क्रश कर लिया है, थोड़ा सा लाल रंग का कलर। अब हम गैस को ऑन करेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें घी डाल देंगे। अब इसमें काजू बादाम को डालकर हल्का फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके क्रश कर लेंगे। अब हम इसमें मखान डाल देंगे। और इसे तीन से चार मिनट तक भूनेंगे, जब तक इसमें कड़ापन ना आ जाए। अब हाथ से दबाकर इसे देख लेंगे, इसमें कड़ापन आया क्या नहीं। ये कड़ा हो चुका है, अब हम गैस को ऑफ करके और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। और ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब हम जार में डालकर इसे पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर बन चुका है, अब हम इसे कढ़ाई में ही निकाल लेंगे। पाउडर बहुत महीन होना चाहिए। थोड़ा
थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिलाएंगे। एक बार में सभी दूध नहीं डालना है, नहीं तो ये गुठली हो जाएगी। इसीलिए हमने इसे नीचे में ही मिला लिया है, नहीं तो गैस पर रखने के बाद गुठली होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर आप चम्मच या किसी से अच्छी तरह नहीं मिला पाते हैं तो हाथ से भी मिला सकते हैं। हाथ से इसे मसल मसल कर अच्छी तरह से मिला लीजिए। धीरे धीरे करके हम इसमें सभी दूध को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिल चुका है, अब हम इसमें कलर डाल देंगे। आप चाहें तो कलर नहीं भी डाल सकते हैं, कलर डालने से देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिल चुका है, अब हम गैस को ऑन करेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और अब इसके लिए दूध को रख देंगे, मखाना और दूध का जो हमने मिला के रखा है, और इसे चलाते रहेंगे। गाढ़ा होने लगा है, इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, आपकी जैसी इच्छा। पतला रखना चाहे तो पतला रखें, नहीं तो गाढ़ा भी। अब इसमें इलायची डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। किशमिश डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। नवरात्रि का जब हम व्रत रखते हैं तो हमें फलाहार खाना पड़ता है, अब इसमें चीनी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। फलाहार में हम ये मखान का खीर खा सकते हैं, ये बहुत हेल्दी भी है, इससे हमें बहुत ताकत मिलता है। चलाते रहेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बहुत पतला भी नहीं रखना है। हम काजू बादाम जो क्रश किया है वो इसमें थोड़ा डाल देंगे और थोड़ा सजाने के लिए रख लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। गाढ़ा हो चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।